काले काले कौवा काले गुगुती बड़ा काले। सुबह 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 क्या करना है काली, सुबह उठ के सुबह सीधे ऐसे खड़े हो जाना, तुमने क्या करना है, काले कौवा काले गुगुती बड़ा काले। तो हमारे पर डे की ड्यूटी है कि लालू को ही खाना रोज परोसना है, रोज ही इसने खाना लगाना है। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग सुबह के 10 बजे से, क्योंकि उठ तो मैं गया था 4 बजे लेकिन उठ नहीं पाया, काफ़ी देर हो गई आज उठने में। और ये गधे बेच के सोए हैं दोनों जने, उठने को है नहीं भाई, छुट्टी है 10 बजे, इनको भी मैंने उठाया भाई क्योंकि इन्हें टाइम से उठ जाओ करके। 10 बजे 10 अभी भी नहीं बजे हैं, 10 बज चुके हैं, 5 मिनट बाकी हैं। फटाफट अभी नाश्ता बनाएंगे, पहले उठेंगे, ट्रेन छूट जाती है, नाश्ता वास्ता बनाएंगे क्योंकि हीटर लगा हुआ है ना इनके लिए यहाँ, तो मस्त से नींद आ रही है इनको। वृद्धा लोग आए हमें देखने बहुत दिनों बाद, ये ख्याल बहुत कम रख रहे हैं हमारा। अरे अनार दिख रही है, फ्रिज फुल हो चुकी है, भाग नहीं पड़ी लालू। ओके ओके, पूरी खबर रख रहा हूँ मैं सैटेलाइट से, भूल मत। चाय भी दादी भाई। तो अब हो गया मेरे नाश्ते का टाइम, आज बनी है नाश्ते में खीर मज़ेदार सी बिल्कुल। और ये भाई गिर ना जाए, और ये यहाँ पे अपना बिस्तर सही कर रहे हैं 10-11 बजे उठने के बाद अपना। हाँ, सारा सामान नाश्ता कितने बना, 11 बजे, अब 12 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। वेरी गुड, खाना बताने क्या होगा, तो पहले कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो हो चुका है मेरा दवाई खाने का टाइम, तो खा लेना हूँ पहले दवाइयाँ, क्योंकि दवाई खानी बहुत ज़रूरी है, तभी मैं जल्दी से बढ़िया हूँगा, स्वस्थ तो होके सीधे करते बाहर अपने काम की ओर चलूँगा। तो दवाई खा लेता हूँ पहले। तो हो चुका है हमारा खाने का टाइम, और खाना लग चुका है, मतलब लग रहा है अभी अभी आ रहा है खाना, क्योंकि दिन का खाना टाइम हो चुका है। और ये है थाली वगैरह, थालियाँ आ चुकी हैं हमारे खाने की, साफ बैठे हैं, विभिन्न का हिसाब चल ही रहा है, तो भी और खाना आ रहा है। अब आ गया खाना हमारा, कुकर भी लिया है साहब, और सब्जी बची है भाई, अब लगाएंगे खाना साहब, खाना खाने लगाने की ड्यूटी नहीं की है। तो खाना बैठ के जमीन में लगाया जा रहा है, ड्यूटी भी लगी हमारी छोटी, और अभी लगने में काफ़ी 2 मिनट बाकी हैं, तो ये लग तक है हमारा खाना, प्याज चावल एंड दाल, ओहो सूखी सब्जी, और ये बनाया है। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे भाई। यही वो शख्स है जो परेशान है, अभी ये पता नहीं अपनी गाड़ी का क्या हाल करके आया, गाड़ी के कागज वगैरह यहाँ रख दिए इनने, और साहब एप्पल काटने की पूरे फिराक में, बिल्कुल एप्पल एप्पल खा के अपनी सेहत बनाने के इसमें है। पागल हो गया तुम, पागल वाली क्या बात है सब भाई, और यही गाड़ी में कहीं किसी और के काम में ना डाल दे। मैं कैसे तो बुलाऊं, और साहब एप्पल काट रहे हैं मालकिन को खिलाने के लिए जो अभी रेस्ट में है। ओए जा अभी नहीं पड़ा भाई, अब सही बार गया हमारा, ला दे तो वहाँ से टेस्ट कर। अरे ख़राब कर दिए इनने, तो आ चुके हैं हमारे एप्पल्स, तो पहले खा लेते हैं इन्हें, उसके शाम हो गई है तो थोड़ा कुछ ना कुछ हल्के से ले लेते हैं, तो हल्के रोज से फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी। ये घंटी किसने बजाई, कौन आ गया हमारे वहाँ, और ये आ चुके हैं हमारे वहाँ, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर कड़ी शरमाए बढ़िया, बहुत बढ़िया होंगे हमारे, हमारे क्या बड़े होंगे, ये हमसे बहुत झूठ बोल रहे हैं आजकल, इनको पता नहीं कि हमें हर एक चीज़ मालूम है। शाम के बज गए 7, तो अब 7 बजे हमारा भी थोड़ी बहुत खीर वीर खाई, थोड़ा सेब खाए, लेकिन हमारे जब जब खा लिया कुछ तब ये उसके बाद ये आए हैं, बिल्कुल 7 बज रहा है। हाँ तो ये अपना टाइम बिल्कुल फिक्स निकालेंगे, और भाई साहब वहाँ लगे हुए हैं अपने फ़ोन में, व्हाट्स गोइंग ऑन, 8:30 बजने वाले हैं, तो 8 बजे भाई साहब घर में सोए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करें, टाइम का पता लगना है नहीं, बस खाओ पियो दवाई खाओ, दैट्स इट, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब क्या खाने का क्या करने का,
वो जल्दी जल्दी बस दुआ है कि जल्द से जल्द सो जल्दी सही हो जाए और अपने काम की ओर निकले दिन भर, क्योंकि आराम से सुबह जल्दी उठने की आदत है और देर तक काम करने की आदत है। तभी कहते हैं भाई लोगों सपोर्ट करो मुझे यूट्यूब की दुनिया में आगे को निकलूँ। पियो पियो। तो लग चुका है हमारा खाना और आ गया है खाना भाई। अब रात के 11 बजे आज भी खाना स्टार्ट हो रहा है हमारा। सब काम नहीं कर रहा है, मैंने थक गया हूँ। साहब बैठे बैठे यहीं से ऑर्डर दे रहे हैं भाई। देवेंद्र क्या थोड़ी बहुत थालियाँ लेने हमारे लिए। अब पानी हमने हीटर के आगे गर्म होने के लिए रख रखा है, क्योंकि गर्म करके रखा नहीं फिर ठंडा हो जाता है बोतल में, तो इसलिए बोतल में ऐसे ही रख रखा आगे। ये आ गया कुकर में बताने माल टाल लेके, जो हमें नॉनवेज आजकल बंद हो रखा, हम कुछ खा भी नहीं सकते, खाली प्योर वेज एंड प्योर बिल्कुल बिना नमक मिर्ची के सादा खाना। कुछ देते क्यों नहीं हो? कल सुबह मैं आपको देख के एक गाना गाऊंगा, काले कौवा काले कुगती बड़ा, काले काले कौवा काले कुगती बड़ा काले। क्या करना छत में आके बताओ बताओ। वो कहते हैं हमारा तो यार है नहीं। खाना लगाओ, कल सुबह क्या करना है पहले बता दो यार। फोटो सेल्फी। अरे भाई एक कब आए यार। खाना यहाँ रख के वहाँ बैठ गए साहब। हेलो कल सुबह करके क्या छत पे आके क्या करना है पहले बताओ, जल्दी बता दो। अरे ये बहुत एक्साइटेड है लालू, इन्हें बहुत टाइम बाद घुमाने ले आ रहा। कितने किलोमीटर दूर है? 700 किलोमीटर दूर अपनी लाइफ में नहीं। और आना जाना 1450 किलोमीटर अपनी लाइफ में घूमेंगे। आप एक्साइटेड हो? सुबह जा रहे हो क्या आप लोग? सुबह तो फ्लाइट करवा दूं क्या? फ्लाइट फ्लाइट में जाओ, बताओ कल सुबह क्या करना है। ची टिकट करवाओ मैं। ठंडा लग रहा भाई, ठंडा बढ़ावट। काले कौवा काले गुगती बड़ा काले, काले कौवा काले गुगती बड़ा काले। सुबह 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 क्या करना है काली? सुबह उठ के सुबह सीधे ऐसे खड़े हो जाना, तूने क्या करना है? काले कौवा काले गुगती बड़ा काले। तो हमारे पर डे की ड्यूटी है कि लालू को खाना रोज परोसना है, रोज ही इसने खाना लगाना है। साथ ही करने के बाद भी से खाना खुद बनाना पड़ा बेचारा, इतनी मेहनत करने के बाद खाना बना के लाया। अभी रोटी बेली, कितनी रोटी बेली आज आपने पूरी? इतनी इतनी मेहनत क्यों करते हो आप? खाना आना बनाना, फिर इसके बाद बर्तन भी धोगे? करना पड़ता है इनकी हालत बेचारे सिवा ले। ऐसा नहीं हो सकता, हाँ जो बर्तन धोएंगे आज, इन्होंने 1947 में पहले बहुत बर्तन धोए, क्योंकि हमारी खाने की बीमारी होती थी, बनाते थे और मैं खाता था और ये धोता था अपने प्लेट को। कौन नहीं धोता है? ये आज ये बना है हमारा दाल। और ये कौन सी सब्जी है भाई? ये है वो अपनी, मतलब कौन सी सब्जी है? हेलो सब्जी कौन सी है? सेम सेम। अबे इसे खाने में सेम आ रही है, मुझे मैं सेम की सब्जी खिला रहा हूँ, मुझे बताओ। चलो खा लेता हूँ पहले खाना, उसके बाद आप लोगों से हम बात करेंगे। हम दोनों ने खाना खा लिया है भैया, दोनों बहुत लेट खाते हैं क्योंकि हबक के खाते हैं। देखो हालत देखो इनकी, खा खा के बिल्कुल हाथी हो चुके हैं यार भाई। खाने का है बिल्कुल, दोनों को खाने का है। ये तो खा पी के सीधे बिस्तर में घुस गई और मैं भी अपने बिस्तर में आ चुका हूँ खाना खा के बिल्कुल। अच्छा और ये बिल्कुल देखो पेलने में लगे, खाओ बेटा खाओ खाओ। तो रात के बज चुके हैं 12 और हमारा हो रहा है सोने का टाइम, लेकिन अभी सोएंगे तो नहीं इतनी जल्दी, लेकिन अपने ब्लॉग करने को एंड करने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, अभी बजने में टाइम है। हैप्पी गुगुते। तो गुगुते की भी तैयारी करनी है, तो हमने गुगुता बनाना है और हमारे वहाँ हमको कौवे को बुलाने के लिए बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है, आप हमें कौवे को बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भैया? यस। क्यों बोलो? काँ
और एक वो वहां बैठे घुघुते की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम से, और एक ये है। तो हम सब घुघुते की तैयारी कर रहे हैं अभी रात में बैठ के, और हमारे सामने भी एक वो है कौन तो इस ब्लॉग को हम इसी समय एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के हमें घुघुते भी उड़ाने हैं, लेकिन मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सुबह छत में जाऊँ, क्योंकि अभी वायरल फीवर चल ही रहा है मेरे को। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे। नैनीताल में बाय आए बाय, हुए गुड अपना नाइट। जय चैनल हिंद, जय वाला भारत।